दोस्तों डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फाइनेस्ट क्रिएशन, बिगेस्ट एक्शन पैक्ड मूवी भाई, जिससे प्रॉमिस करा जा रहा है कि ये एक्शन के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड का एक्शन तड़का भी देखने को मिलेगा, साथ में कॉमेडी वे में तो हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अक्षय कुमार भाई फन के तो माहिर बादशाह हैं। और ऐसे हमने बहुत सी इनकी एक्शन पैक मूवी देखी, लाइक राउडी राठौर भाई फन था तो एक्शन भी थी, वही चीज़ भाई इसमें भी एक्सपेक्ट करी जा रही है। दूसरा भाई डायरेक्टर अली अब्बास जफर, ये जो नाम जुड़ा है ये प्रॉमिसिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्रीवियस क्रिएशन है सुल्तान या फिर टाइगर जिंदा है सेकंड पार्ट भाई, वो सारी चीज़ें भाई एक्शन दमदार थी, ब्लॉकबस्टर मूवीज थी, क्या ये मूवी दमदार होने वाली है? क्योंकि हमें कुछ टाइम बाद इसका टीजर देखने को मिल जाएगा, इसकी फर्स्ट EMI, जहाँ से प्रॉमिसिंग, जहाँ से एक्सपेक्टेशन, जहाँ से होप जुड़ने लग जाएंगे कि ये मूवी कितना क्या कलेक्शन कर सकती है, कितना क्या आग फाड़ सकती है, क्या ब्लॉकबस्टर हो सकती है, नहीं हो सकती है, अक्षय कुमार की जो लेगेसी इस टाइम पर डाउन चल रही, क्या ये वहाँ से उठ सकता है, नहीं उठ सकता है? भाई टाइगर श्रॉफ गणपत एक्शन पैक्ड मूवी भाई डिस्टोपियन एरा पे आनी थी, उस मूवी को बड़ी उम्मीद थी कि दमदार निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एवरेज से भी ज़्यादा नीचे फ्लॉप में फ्लॉप साबित हुई। आई थिंक 20 करोड़ भी उस मूवी ने नहीं कंप्लीट कर पाए थे, लेकिन भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ से उम्मीद जताई जा रही कि यस ये कुछ करते नजर आए, क्योंकि भाई टीजर से पता लग जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी, कितना कलेक्शन करेगी या नहीं करेगी। जैसा 2023 में हमने देखा था पिछले साल कि भाई एक्शन के मामले में, मासी मसाला वॉयलेंस के मामले में जो मूवीज़ कलेक्शन करके गई हैं, जो ब्लॉकबस्टर आग फाड़ के गई हैं, क्या वो वाली आगे मूवी फाड़ पाएगी नहीं फाड़ पाएगी, वो टीजर से पता चल जाएगा। तो भाई टीजर हमें कुछ टाइम बाद बस 10 बजे देखने को मिल ही जाएगा, आज यानी 24 जनवरी को US सर्टिफिकेशन के साथ इस टीजर को नवाज दिया गया है। लेंथ इसकी 1 मिनट 41 सेकंड के आसपास होगी, जो कि फाइनेस्ट लेंथ है। अगर टीजर उतना एंगेजिंग लगा तो ये भाई साहब देखा जाए तो यही वाली टाइमिंग भी बहुत लंबी भी लग सकती है हमको। बात अगर टीजर की चली रही है तो भाई साहब पिछले साल ब्लॉकबस्टर मूवीज के टीजर ले लो एनिमल, भाई वॉयलेंस एंड एक्शन के मामले में ए रेटिंग थी, बावजूद इसके ए रेटिंग थी जो कलेक्शन और जो नाम कमा के लिए एनिमल भाई 78 मिलियन लाइफ टाइम व्यूज आए हैं उसके टीजर को, जिसमें से लाइक्स का अगर देखें तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, 1.3 मिलियन लाइक्स मिले हैं उसको। सलार के टीजर की बात करें तो भाई इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, 146 मिलियन व्यूज इसके टीजर को मिले थे और लाइक्स 2.5 मिलियन के आसपास इससे लाइक्स मिले थे। तो क्या ये टीजर भाई वैसे आग फाड़ सकता है? क्या 50 मिलियन भी इस टीजर को मिल सकते हैं? क्योंकि अगर हम अक्षय कुमार की OMG 2 की बात कर लें, प्रीवियस क्रिएशन OMG 2 की बात कर लें, तो एवरेज व्यूज थे उसके टीजर को 39 मिलियन के आसपास, 39 मिलियन व्यूज के आसपास। लाइक्स की बात करें तो 6,25,000, कोई इतने अच्छे लाइक्स भी नहीं थे। टाइगर की अगर गणपत मूवी की बात करें तो उसके टीजर को 20 मिलियन व्यूज मिले थे, जिसमें लाइक्स 4 लाख के आसपास थे। तो हो देखते हैं, क्योंकि भाई साहब दोनों सरवाइव कर रहे हैं उस स्टारडम को पाने के लिए, उस कमबैक के लिए जो कमबैक हमने 2023 में होते देखा है, लाइक शाहरुख खान की एक नहीं भाई तीनों मूवी फाड़ के गई हैं और 1000 करोड़ भाई उस साल किसी में इतना पोटेंशियल नहीं था जो 1000 करोड़ टच करके जाए। सिर्फ एनिमल जो स्लाइटली 1000 करोड़ टच कर रही है, सलार से उम्मीद थी लेकिन सलार नहीं कर पाई, बावजूद इसके भाई शाहरुख खान ने जो कमबैक किया है। उसके बाद जो हमें सनी देओल का कमबैक देखने को मिला, उसके बाद हमें रणबीर कपूर का भाई, उसके बाद सलार से हमें प्रभास का कमबैक देखने को मिला है। तो क्या यहाँ पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का भी कमबैक हो सकता है? इसके टीजर से पता चल जाएगा, क्योंकि 10 बजे टीजर लाइन पर लगा पड़ा है। कितने एक्साइटेड हो आप लोग? भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई मूवी 250 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है, डायरेक्टर का नाम अली अब्बास जफर जुड़ा है, तो एक्साइटमेंट तो जुड़ेगी। बाकी देखते हैं कैसा क्या टीजर हो सकता है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और टीजर के लिए कितने एक्साइटेड हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।